चले तो हम लोग मेडाइवल इंडिया का करने जा रहे हैं, लुसेंट का मेडाइवल इंडिया। तो मेडाइवल पीरियड का बात करें तो 650 से 1206 AD तक माना जाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया पहले राजपूताना को हम लोग देख लेते हैं, पावरफुल फोर्स थे नॉर्दर्न इंडिया में हर्षवर्धन के बाद, और ये 500 साल तक तकरीबन रहे हैं 7th सेंचुरी से, ठीक है। चले 10 इंपॉर्टेंट राजपूताना किंगडम का बात करें तो चौहान चहमान दिल्ली अजमेर के थे, 7th सेंचुरी 1192 से दिल्ली में कैपिटल था, वासुदेव ये इनके फाउंडर थे। प्रतिहार प्रतिहार या परिहार ऑफ कन्नौज इनको कहा जाता था, 730 से 1036 अवंती कन्नौज कन्नौज नागभट्ट वन इनके फाउंडर थे, ठीक है। पवार परमार मालवा के थे, मालवा का उज्जैन धार था कैपिटल, ठीक है, वही 790 से 1150। और सीएक टू श्रीहर्ष भी कहा जाता था, पवार परमार श्रीहर्ष, ठीक है। चालुक्य सोलंकी काठियावाड़ के जो थे अनिहलवाद और मूलराज फर्स्ट थे, ठीक है, चालुक्य सोलंकी काठियावाड़ के। राष्ट्रकूटा मालखंड का बात कीजिएगा तो मालखंड या मानेकेट, ठीक है, दंती दुर्गा या दंती वर्मन टू, ठीक है। चंडेला ऑफ जीजा भुक्ति का बात कीजिएगा तो ये अपना खजुराहो महोबा कलिंजर, ठीक है, एरिया। और नानोक चंडेला ये थी थे चंडेला के, नानोक चंडेला खजुराहो महोबा कलिंजर 800 से 1200, ठीक है। कलचूरी हथिया ऑफ छेदी का बात कीजिए, हैया ऑफ छेदी, ठीक है, छेदी का कलचूरी हैया का बात कीजिएगा, त्रिपुरी में थे ये फाउंडर थे। कोकला वन फर्स्ट, ठीक है। गढ़वाल राठौर ऑफ कन्नौज का बात कीजिए तो कन्नौज चंद्रदेव 1090 से 1094 से पहले कन्नौज में अवंती जो कन्नौज 1036 तक कौन थे, परिहार ऑफ कन्नौज थे नागभट्ट द्वारा इस्टेब्लिश, ठीक है। उसके बाद तोमार सराउंडिंग एरियाज ऑफ हरियाणा और दिल्ली के तोमार थे, वो दिल्ली का कैपिटल था उनका, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। गुहिलोता या सिसोदिया ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के सिसोदिया या गुहिलोता ये 8वें सेंचुरी से 1930 तक है, 1930 तक, ठीक है। चित्तौड़ रहा इनका अपना थी बप्पा रावत हामिर वन, बप्पा रावत जी इस फाउंडर थे। चलिए त्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में देखें तो 8वें सेंचुरी में पाला अपने ईस्ट में, गुर्जर प्रतिहारा नॉर्थ के, और राष्ट्रकूटा दक्कन के, ये तीन इम्पोर्टेंट ग्रेट पावर हो गए थे, ठीक है। इनका मेनली सुप्रीमेसी के लिए था क्योंकि ये लोग कन्नौज जो उस समय सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी था, कन्नौज सिटी था, इसको अधिक करने के लिए इनके पीछे स्ट्रगल हो रहा था। पाला ऑफ इन द ईस्ट, गुर्जर प्रतिहारा नॉर्थ और राष्ट्रकूटा दक्कन में, ठीक है। पाला का बात कीजिएगा तो 750 से 1150 पालास, ठीक है, ये मुद्दगिरी मुंगेर बिहार में इनका थी था कैपिटल था मुद्दगिरी मुंगेर, ठीक है। गोपाला वाज द फाउंडर ऑफ पाला 750 AD में, ठीक है, धर्मपाला उनके बेटा थे। उसके बाद ये माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कराए थे पाला, धर्मपाला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का नींव रखे थे। उसके बाद पाला को सेना डायनेस्टी सक्सीड करता है, बंगाल का सेना डायनेस्टी, ठीक है। जयदेव गोविंदा कोटपोट थे लक्ष्मण सेन के, लक्ष्मण सेन के, ठीक है। इसके बाद बात कीजिएगा प्रतिहारा का, तो प्रतिहारा 730 से 1036 के बीच रहे थे, ठीक है। इनको गुर्जर प्रतिहारा भी कहा जाता है, वजह ये था कि मतलब कि ऐसा माना जाता है कि वो गुजरात साउथ वेस्ट राजस्थान से ओरिजिनेट किए थे, इसलिए गुर्जर प्रतिहारा कहा जाता था, ठीक है। भोज मिहिर भोज 836 से 882 ये ग्रेटेस्ट रूलर थे भोज, ठीक है। वो डिवोटी थे विष्णु जी के और उन्होंने टाइटल लिया था भोज आदि, मिहिर भोज ने आदिवरा का टाइटल लिया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर राष्ट्रकूटाज, 752 से 973 तक रहे राष्ट्रकूटाज, दंती दुर्गे देखे ही हैं, ठीक है। मालखंड मान्य मालखेद मान्यखेद ये थी था गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का प्रेजेंट, ठीक है। गोविंद थ्री जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे, अमोघवर्षा 64 साल रूल किए थे और वो परस्यूट ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर टू वार को प्रेफर करते थे। वो खुद ऑथर थे और उन्होंने कवि राजमार्ग लिखा था, कवि राजमार्ग ये कन्नड़ वो बुक ऑन पोएटिक्स है, ठीक है। राष्ट्रकूटाज दंती दुर्ग फेमस रॉक कट टेम्पल कैलाश शिव जी का एलोरा में इन्हीं द्वारा बनाया गया था, कृष्ण वन जी थे, ठीक है। एलोरा के कैलाश शिव जी का थी टेम्पल राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण वन द्वारा, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स का बात किया जाए उस पीरियड का नॉट ऑफ डायनेस्टी तो पृथ्वीराज चौहान जी अपने 1178 से 1192 तक थे, ये दिल्ली आगरा के बीच रूल किया करते थे। फर्स्ट बैटल ऑफ टुरान
1191 में हुआ था इनके और गोरी के बीच, तो ये जीत गए थे सेकंड बैटल ऑफ तरान। 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया था और जो किंगडम ऑफ दिल्ली था वो गोरी के हाथ में चला गया था। ठीक है, बैटल ऑफ तरान का सिग्निफिकेंस इसलिए कहा जाता है पॉलिटिकल सीन में क्योंकि यहाँ से ये मुस्लिम रूल ओवर नॉर्थ इंडिया इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, चलिए। जयचंद गढ़वाल राठौर 1169 से 94 तक लास्ट राजपूत किंग थे जिसको डिफीट और किल किया गया था मोहम्मद गोरी द्वारा, बैटल ऑफ चंदवार। ठीक है, बैटल ऑफ चंदवार में जयचंद गढ़वाल राठौर 1194 में। उसके बाद राणा कुंभा सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ थे। राणा कुंभा 1433 से 68 तक राणा कुंभा मेवाड़ के अपने मोहम्मद खिलजी को वो डिफीट किए थे और टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ चित्तौड़ में वो लगाए थे। ठीक है, राणा संग्राम सिंह उनके सक्सेसर थे जिनको राणा संगा भी कहा जाता है। राणा प्रताप उनके मतलब कि ग्रेट किंग्स में काउंट किए जाते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ राजपूत किंगडम का बात कीजिएगा तो राजपूत यूजुअली रिमेंड फ्री। ठीक है, लेकिन वही फॉरेन कॉन्टैक्ट छूट गया था, कास्ट सिस्टम रिजिड था, इनका प्राउड वॉरियर और पीपल थे, हॉस्पिटेबल भी थे, फील्ड ऑफ कल्चर में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए जैसे खजुराहो एमपी, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा। ठीक है, जगन्नाथपुरी में दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में। उनके डिक्लाइन का बात कीजिएगा तो लैक ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा कॉज बना है। ठीक है, फोरसाइटनेस की कमी भी रहा, कास्ट सिस्टम, इफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ रीजन्स माने जाते थे उनके डाउनफॉल का। चलिए, अब सेकेंड देखते हैं, हम लोग राजपूत देख लिए तो अब साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। तो चोलाज और अदर एम्पायर के बारे में देखते हैं। तो चोला थे ये 850 से 1279 तक, 850 से 1279 एडी तक रहे। इनका कैपिटल चोला का तंजौर, गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम इनका अधीरा कैपिटल तंजौर गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे विजयालया। ठीक है, ये फ्यूडियरी थे पहले पल्लवा जी के और ये तंजौर को कैप्चर किए थे 850 AD में। ठीक है, कुछ ग्रेट रूलर राजा राजा थे 985 से 1014, राजेंद्र वन भी थे। राजा राजा बृधाहेश्वर राजा राजेश्वर टेम्पल को बनवाए थे जो कि शिव जी का है तंजौर में। राजेंद्र वन जी का बात कीजिएगा तो ये कंकर किए थे उड़ीसा बंगाल बर्मा अंडमान निकोबार आइलैंड को। ठीक है, जेनिथ भी इनके टाइम में ही था और राजेंद्र वन ही गंगाई कोंडा चोला ये टाइटल अधिक किए थे और जो सिटी था गंगाई कोंडा चोलापुरम जो कैपिटल था ये इन्हीं द्वारा बनवाया गया था राजेंद्र वन द्वारा। लास्ट रूलर की बात कीजिएगा राजेंद्र थ्री लास्ट थे। ठीक है, मेनली सेंट्रल अथॉरिटी इनके हेड हुआ करते थे, किंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक माना जाता है इनका। चले चोला एम्पायर का अधिक किया जगह था मंडल राम प्रोविंस हुआ करता था और वालानाडु कमिश्नरी था, नाडु डिस्ट्रिक्ट था, वालानाडु नाडु एंड कुर्रम ग्रुप ऑफ विलेज हुआ करता था। तो मंडलम वालानाडु नाडु एंड कुर्रम। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिक फीचर था इनके एडमिनिस्ट्रेशन का। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स भी मेन सोर्स थे इनकम का। आर्किटेक्चर का बात कीजिएगा तो द्रविड़ स्टाइल इनके टाइम में अति था कि कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम से ये झलकता है। इसके बाद इमेज मेकिंग का बात कीजिएगा तो इस टाइम में क्लाइमेक्स पर गया इन डांसिंग फिगरिन ऑफ शिव जो नटराज जी का था। ठीक है, कम्बन जो कि राम अवतारम लिखे थे, ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ तमिल पोएट्री है कम्बन, कम्बन राम अवतारम लिखे थे। ठीक है, उनका रामायण कम्बन रामायण भी कहा जाता है। इसके बाद कम्बन कुट्टन एंड पुगलेंदी, कम्बन कुट्टन एंड पुगलेंदी थ्री जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री कहा जाता है। कम्बन कुट्टन पुगलेंदी विमान टॉल पिरामिड टावर उस समय के टेंपल आर्किटेक्चर को डोमिनेट करने लगे थे। ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिग्निटी दिया जाता था। गोपुरम गर्भगिरी दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से आए गए थे। इसके अलावा जो टेंपल ऑफ विजयालय है, चोलेश्वर है, नागेश्वर टेंपल है, कोरंगनाथ टेंपल है, मोवा कोविथा टेंपल है, ये सारे बेस्ट स्पेसिमेन माने जाते हैं। अदर किंगडम ऑफ साउथ की बात की जाए तो वेस्टर्न लेटर चालुक्याज 973 से 1200, कल्याणी कर्नाटक का कैपिटल था उनका। ठीक है, तैलब टू रियल फाउंडर थे चालुक्याज के। कटियाज का बात की जाए तो वरंगल आंध्र प्रदेश एरिया मतलब कैपिटल था उनका और प्रोल राज टू इसके ककटिया के अति थे फाउंडर थे। यादव का बात कीजिएगा, यादव यादव देवगिरी महाराष्ट्र। ठीक है, विल्लम फाइव ये यादव के थे। होयसाला का बात कीजिएगा तो द्वार समुद्र कर्नाटक का विट्टी के देव। ठीक है, विष्णुवर्धन ये होयसाला के थे, द्वार समुद्र कर्नाटक रीजन में ही 1173 से 1187 में यादव से थे।
कटिया 1110, वेस्टर्न लाइटर चालुक्य 973, ठीक है, तलब सेकंड कल्याणी कर्नाटक। टेम्पल ऑफ होयसलेश्वर जो द्वार समुद्र मॉडर्न हलाबी हलेबीद में है, एक होयसला आर्ट का अचीवमेंट माना जाता है। सल्तनत पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पीरियड जो कि 1206 से 1526 तक चला है, ठीक है, 1206 से। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन था 712 AD में, ठीक है, 712 AD में मोहम्मद कासिम आया, इन्वेड किया, सिंध को कंकर कर लेता है और उसको उमायद खिलाफत का प्रोविंस बना लेता है सिंध को, ठीक है। फर्स्ट तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गजनवी का हुआ था, 998 से 1030 AD तक का था गजनवी, और वही 17 एक्सपीडिशन किया था इंडिया को, बेसिकली अपने आप को इनरीच करने के लिए। ये हमारे यहाँ से वेल्थ ले जाता था, ठीक है, 1025 में वो अटैक किया, रेड किया, इवेन की जो सोमनाथ टेम्पल था उस काठियावाड़ एक्सट्रीम साउथ में, उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था 1026 AD में, ठीक है। सेकेंड तुर्क इन्वेजन का बात कीजिएगा तो मोहम्मद गोरी का इन्वेजन फिर हुआ था, मोहम्मद गोरी का, ठीक है, यही फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया का अति भी माना जाता है, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल माना जाता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ तुर्क था, क्यों, राजपूत का थी, लैक ऑफ यूनिटी था, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हुआ करता था, ये स्मॉल स्कैटर्ड थे ये लोग, जो तुर्क थे वो बेटर ऑर्गेनाइज थे, और म्यूचुअल कोऑपरेशन का कमी का वो लोग फायदा उठा लेते थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 AD का बात करते हैं, तो मोहम्मद गोरी जो न्यूक्लियस बन गया नया पॉलिटिकल एंटिटी इन इंडिया दिल्ली सल्तनत, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स है, जो कि स्लेव डायनेस्टी 1206 से 90, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 1414 सैयद 1414 से 1551, और लोधी डायनेस्टी 1526 में ख़त्म हो जाता है 1451 से, ठीक है। तो इसका बेस बना था मोहम्मद गोरी का इन्वेजन, ये देखते हैं कैसे। तो जो स्लेव डायनेस्टी था 1206 से 90 तक चला था, कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट रूलर थे, वो एक्चुअली तुर्की स्लेव थे बाई ओरिजिन, जिसको मोहम्मद गोरी परचेज किया था, ठीक है, और उसको गवर्नर बना दिया गया था। और जब गोरी का डेथ हो जाता है तो वो हिंदुस्तान के मास्टर होके और स्लेव डायनेस्टी का हाथी कर देता है, लेकिन वो जेनरस था और इसी कारण से उसको लाल बख्श गिवर ऑफ लक्स का टाइटल भी दिया गया था, ठीक है। उसका मौत चौहान पोलो खेलते हुए हो जाता है 1210 में, वो दो मॉस्क बनाता है कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाता है या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिल बख्तियार काकी के नाथी में, ठीक है, ऑनर में, लेकिन ये कंप्लीट नहीं करवा पाता है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड राइटर्स को पैट्रोनाइज करता था, जैसे हसन उन निजामी जो कि ताजुल मस्जिद के आती है, फखरुद्दीन जो कि तारीख मुबारक शाही का आती है राइटर है, वो इनके कोर्ट में हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने शमसुद्दीन इल्तुतमिश साहब, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है, और दिल्ली थ्रोन को 1211 में अधिक कर देते हैं डिपोज करके, किसको, आराम बख्श को, आराम बख्श को, ठीक है। चलिए, ये कैपेबल रूलर माने जाते हैं, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, इल्तुतमिश को दिल्ली कैपिटल बनाता है इल्तुतमिश लाहौर से, ठीक है, लाहौर से यहाँ पे ले आता है। ये दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान से बचाता है, क्योंकि ख्वारिज्म शाह जो चंगेज खान जिसको चेज कर रहा था उसको शेल्टर नहीं देता है। इसके बाद सिल्वर क्वाइन टाका है, ये इंट्रोड्यूस करता है सिल्वर क्वाइन टाका, कॉपर क्वाइन जीतल जीतल टाका जीतल, ठीक है। एकता सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स के लिए और आर्मी के लिए, और जो कि अब सेंट्रली पेड और सेंट्रली रिक्रूटेड हो गया एकता सिस्टम, ठीक है। ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स के इस्टेब्लिश करता है, जिसको चहलगानी या चालीसा कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 40 चालीसा या चहलगानी, ठीक है। ये कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाता है। मिनहाज उस्सिराज ये पैट्रॉन था, जो कि ऑथर है तबक्कत नासरी के, तबक्कत नासरी मिनहाज उस्सिराज। इसके बाद आते हैं अपने रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन जो कि 1236 में आते हैं, ठीक है, ये सन ऑफ इल्तुतमिश रहते हैं, क्राउन बाई हर मदर है शाह तुर्क के, ठीक है, इल्तुतमिश के डेथ के बाद, लेकिन रजिया इनको डिपोज कर देती है, जो कि डॉटर होती है इल्तुतमिश की,
और जब ये अवध गए हुए रहते हैं वहाँ के रिबेलियन को दबाने के लिए, तो रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक रहते हैं। इल्तुतमिश इसे नॉमिनेट करते हैं रजिया को ही अपने सक्सेसर के रूप में, लेकिन जो नोबल्स होते हैं वो रुकनुद्दीन फिरोज को थ्रोन पे बैठा देते हैं। वही मेंटेलिटी की हाउ कैन अ वीमेन भी आती। तो ये रजिया सुल्तान फर्स्ट अनवाल ने मुस्लिम लेडी होते हैं जो कभी इंडिया को रूल की, ठीक है। और यही था कि नॉट एक्सेप्टेबल टू नोबल्स थी ये, फर्दर ऑफेंडेड द नोबल्स बाई प्रेफरेंस फॉर अबेसियन स्लेव याकूत को ये अति करती हैं, तो इस वजह से फिर नोबल्स और ज़्यादा अति होते हैं, वो अबेसियन स्लेव था याकूत। इसके बाद इनके आते ही जो गवर्नर्स ऑफ मुल्तान है, बदौन है, हांसी है, लाहौर है, ये लोग ओपनली रिवोल्ट कर देते हैं, और सीरियसली रिवोल्ट होता है भटिंडा में, ठीक है। भटिंडा में वही जो अल्तुनिया होते हैं, अल्तुनिया इज द गवर्नर ऑफ भटिंडा, ये सुजेरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करता है रजिया का। रजिया ये याकूत के साथ अल्तुनिया के अगेंस्ट चले जाती हैं, मतलब कि अति करने, लेकिन याकूत का मर्डर हो जाता है और रजिया को इम्प्रिजन कर लिया जाता है। और इसके बाद रजिया मैरी कर लेती है अल्तुनिया से, और दोनों दिल्ली तरफ आते हैं, लेकिन कंस्पिरेसी से एसिनेट कर दिया जाता है काठियावाड़ हरियाणा में रजिया को 1240 AD में, ठीक है। बहरम शाह का बात कीजिएगा तो उसके बाद आते हैं बहरम शाह, ठीक है। रजिया के बाद ये तीसरे बेटे थे इल्तुतमिश के, ये पावरफुल तुर्किस काउंसिल सालिसा इनको इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इसको माना जाता है कि ये डी जूरे रूलर थे, जबकि नायब ए ममलाकत ये जो कि रीजेंट थे इनके, वो डिफेक्टो रूलर हुआ करते थे, नायब ए ममलाकत। बैरम शाह अपने लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं जब वो अपने अथॉरिटी को असर्ट करना चाहते हैं थ्रोन पे। उसके बाद आते हैं मसूद शाह। मसूद शाह सन ऑफ रुकनुद्दीन होते हैं, ठीक है। डिपोज्ड आफ्टर बलवन एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद से मलिका ए जहाँ कंस्पायर अगेंस्ट हिम, और इस्टेब्लिश करते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद को एज न्यू सुल्तान, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद फिर आते हैं, ये सन ऑफ इल्तुतमिश थे जिनको दरवेशी किंग भी कहा जाता था। दरवेशी किंग वो वेरीफाई से नोबेल थे, ये 1266 में निकल लेते हैं बिसल रूल करने के बाद, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद गियासुद्दीन बलबन इसके बाद आते हैं ये 1266 में, ठीक है। ये चालीसा के पावर को ब्रोक करते हैं और ये स्टोर करते हैं प्रेस्टीज ऑफ क्राउन को, ठीक है। स्टेबिलिटी लाते हैं, हंट करते हैं स्पाइज को, और स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी को ये आदि करते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से डील करने के लिए और मंगोल्स को चेक करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट गियासुद्दीन बलबन दीवान अर्ज क्रिएट करते हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट। पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस जो बलबन का किंगशिप था वो पर्शियन कोर्ट मॉडल से ही आती था, और ये जिल ए इलाही साइड ऑफ द कोर्ट टाइटल आदि अपनाते, जिले इलाही बलवन। उसके बाद बलवन साहब ही सीजदा जो कि प्रोस्ट्रेशन बिटवीन बिफोर द मोनार्क और पैबोज किसिंग द फीट ऑफ द मोनार्क ये अति करते हैं लाते हैं, ठीक है। जिले इलाही सीजदा पैबोज ये मेवाती राजपूत को डिस्ट्रॉय करते हैं, दुआबी रीजन में फॉरेस्ट कर करके और फोर्ट से बिल्ड किया जाता है। डेथ ऑफ एल्डेस्ट सन इनके लास्ट डे में जो कि मोहम्मद थे वो उसके कारण मतलब कि सल्तनत अफेयर्स पे उतना ध्यान नहीं देने लगते। इसके बाद इनका जो क्लोजेस्ट और स्लेव था तुगरील उसका रिवेलियन हो जाता है, मोहम्मद डेड फाइटिंग द मंगोल्स 1285 में, जबकि तुगरील को कैप्चर करके बीहेड कर दिया जाता है, ठीक है। कैकू बाद ये 87 से 93 साल तक रहते, ग्रैंडसन ऑफ बालवन होते हैं, ठीक है। फखरुद्दीन द्वारा इनको बैठाया जाता है, कोतवाल था दिल्ली का, और माना जाता है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी था उनका बालवन के अंतिम दिनों में। कैकू बाद को किल कर दिया जाता है खिलजी फैमिली द्वारा, ठीक है। और यहीं से स्लेव डायनेस्टी का अंत होता है। खिलजी डायनेस्टी का बात करें तो 1290 से 1320 तक चलता है। जलालुद्दीन खिलजी ये फाउंडर थे, ठीक है। उसके बाद 96 में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, सन इन लॉ थे, ठीक है, नेफ्यू एंड सन इन लॉ थे इसके जलालुद्दीन के। और ये अलाउद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन को उड़ा देते हैं और 1296 में तख्त हासिल कर लेता। फर्स्ट तुर्की सुल्तान था दिल्ली का जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखा, ठीक है। किंगशिप नोज नो किंगशिप ये प्रोक्लेम किया था। अलाउद्दीन का इम्पीरियलिज्म का बात करें तो गुजरात 1298 में ले लिया था, रणथंबोर 1301 में, मेवाड़ मालवा जलोर डखन में अलादुन आर्मी लेड बाई मालिक कुत्ता डिफीट करता है रामचंद्र यादव रूलर जो देवगिरी के थे उनको, ठीक है। प्रताप कुंजी
कुदरती देव का खत्रिया रूलर को, उसके बाद वीर बल्ला वैशाला रूलर को, और वीर पांडे पांडे रूलर ऑफ मदुरई को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से ये भी लाते उसके बाद नोबल्स के आदि प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए चार ऑर्डिनेंस ये लाते हैं। पहला रहता है पहला ऑर्डिनेंस की रिलीजियस इंडोमेंट्स या और फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड को कन्फिस्केट किया जाएगा। दूसरा रहता है कि जो स्पाई सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तीसरा था कि वाइन का आदि यूज प्रोहिबिटेड है। चौथा रहता है कि कोई भी नोबल सोशल गैदरिंग नहीं करेगा और इंटरमैरी बिना आदि किंग के परमिशन के नहीं करेगा। इसके अलावा ये टैग सिस्टम लाते ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स के लिए, और चेहरा सिस्टम लाते डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स का, ठीक है। और सारे इवेंट्स को मेजर करवाते हैं और शेयर ऑफ स्टेट फिक्स करते हैं। उसके बाद मुस्तक राज वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, मुस्तक राज कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रोथी होता है लैंड रेवेन्यू, उसको प्रोड्यूस के रूप में पे किया जाता है। सारे कम्युनिटीज के कॉस्ट को फिक्स करते हैं ये। अलाउद्दीन खिलजी तीन मार्केट्स का बात करें तो दिल्ली में एक मार्केट फूड ग्रेन्स के लिए, सेकंड मार्केट का ऑस्ट्रेली क्लॉथ के लिए, और तीसरा मार्केट हॉर्स लेबर कैटल के लिए ये आदि किया जाता है। और इनको कंट्रोल किया जाता है बाई होम, तो बाई सहना, ठीक है, सहना द्वारा किया जाता है। ये रजिस्टर ऑफ मर्चेंट्स मेंटेन करते हैं और स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं सबके पर्स और प्राइसेज को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का रिफॉर्म्स है। चेक ऑन मार्केट वाज केप्ट बाई टू ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये जो दो ऑफिसर्स जो चेक रखते हैं मार्केट पे, ये है दीवाने रियासत एंड सहनाई मंडी, सहनाई मंडी और दीवाने रियासत है, दीवाने रियासत है, ठीक है। इसके बाद बात कीजिएगा सारे गुड्स को सेल किया जाता था, ओपन मार्केट में लाया जाता था, इसको सारा ये अदल कहते थे, सारा ये अदल कहते थे, ओपन मार्केट में ला के अदल, अदल इट्स अदल नॉट अदल, मेनी फोर्ट्स बिल्ड किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। और अलाई फोर्ट इन्हीं द्वारा बनवाया गया था, अलाई दरवाज़ा भी बनवाया गया था जो एंट्रेंस है कुतुब मीनार का, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। इसके बाद पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर्स जो था, हजार सुतून ये भी इन्हीं द्वारा बनाया गया था, पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर्स। इसके बाद बात किया जाए तो आमिर खुसरो साहब पोएट म्यूजिशियन थे, इन्हीं के फेवरेट कोट पोएट थे आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। 1316 में देवता ऑफ अलाउद्दीन मलिक कफूर जो हजार दिनारी सीज करता है थ्रोन को, ठीक है। और कादूर के मरने से पहले वो शिबुद्दीन अलाउद्दीन का 6 साल के प्रिंस को नॉमिनेट करता है एज किंग, और जो एल्डेस्ट प्रिंस थे मुबारक खान उनको इम्प्रिजन कर देता है, ठीक है। काफूर वाज किल्ड बाय लॉयलिस्ट टू रॉयल फैमिली ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आते हैं मुबारक खान 1316 से 1320 तक। मुबारक खान डेथ ऑफ काफूर, मुबारक खान फ्रीड फ्रॉम द प्रिजन और वर्कड एज ए रीजेंट फॉर शिहाबुद्दीन, और यह कैप्चर थ्रोन जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलता है तो, लेकिन कुछ ही ईयर से रूल कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि साकिन देव चिटियन को नॉट गिव अप डिसिप्लिनेड लाइफ स्टाइल। ही अवार्डेड हिज लवर मुबारक हसन अथॉरिटी ओवर आर्मी एंड पैलेस गार्ड, और जैसे ही मुबारक हसन को अति मिलता है ये फुल कंट्रोल ले लेता है सुल्तान के पैलेस का और सुल्तान को ही निकाल देता है। और खुसरो खान इसको टाइटल मिलता है और मुबारक खान को निकाल देता है, मतलब कि ऊपर भेज दिया, और नसीरुद्दीन का ले लेता है टाइटल, ठीक है। 1320 में ये आता है गाजी मलिक, इसको किल खुसरो खान गाजी मलिक के द्वारा किल किया जाता है, गवर्नर ऑफ दीपालपुर होता है जब वो रिविलियन गाजी मलिक का अधिक करने जाता है तो, और उसका बेटा फखरुद्दीन जोना का, और यहीं से खिलजी डायनेस्टी भी खत्म हो जाता है। और तुगलक डायनेस्टी अब आता है तो जो गियासुद्दीन तुगलक है गाजी मलिक था वही गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, खुसरो खान लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी को किल कर देता है। और ये पहले कहाँ का दीपालपुर का गवर्नर था, ठीक है, रिवील किया था, और ये गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल ले लेता है। ये एक्सीडेंट में अभी निकल लेता है, इसका बेटा उगलू खान जोना ये सक्सीड करता है जो टाइटल लेता है मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक जोना उलूग खान प्रिंस जोना ये सन होता है गियासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। 1325 में आती पर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाता है, पांचवें विशेष प्रोजेक्ट लाता है मोहम्मद बिन तुगलक जो कि
आगे चल के देखते हैं बर्बाद करेगा। टैक्सेशन इन दोआब 1326 में, ठीक है। ये एडवाइस फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट होता है, ये गंगे जी यमुना एरिया के लिए, ठीक है। इंक्रीज कर देता है टैक्सेशन को, इसके साथ साथ रिवाइव करके क्रिएट करता है कुछ नए अबवाब्स को, जो सेस कहा जाता था, अबवाब सेस था, ठीक है। और जैसे कि स्टेट का शेयर तो अलाउद्दीन के टाइम के ही अथी था, लेकिन वही था कि एक्चुअल प्रोड्यूस के बेसिस पे ये अथी नहीं था, आर्बिट्रेली फिक्स कर दिया था। और जो प्राइसेस था उसको भी अथी आर्टिफिशियली फिक्स किया जाता था, जो कि माना कहा जाता है कि 20 फोल्ड इंक्रीज हो गया था। घारी हाउस टैक्स भी अथी का ऐड किया गया था, चराही पास्चर टैक्स भी अथी कर दिया था। नया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये बना था, दीवाने को ही जो होता है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नया बनाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, दीवाने को ही एग्रीकल्चर के लिए, और इसके बाद कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा लैंड लाता है, डायरेक्ट हेल्प दे के पीजेंट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेवेन्यू भी वसूला है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है 1327 में, ताकि दिल्ली से देवगिरी की जाके वहाँ पे जो साउथ का इनका अथी था, साउथ में रूल करने का, तो बेटर वे में वो अथी करे एक्सपेंड करते हुए, ठीक है। और ये देवगिरी को दौलताबाद रीनेम भी कर देते हैं, लेकिन दौलताबाद को अबेंडन करना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि इसको समझ में आ गया था कि साउथ इंडिया से फिर दिल्ली और नॉर्थ को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। चलिए, तीसरा प्रोजेक्ट इसका रहता है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। 1329 में टोकन करेंसी लाता है, ब्रोंज क्वांस लाता है, सेम वैल्यू एज सिल्वर क्वांस, लेकिन फॉर्जिंग से रोक नहीं पाता, ग्रेटली डिवैल्यू हो जाता है और विड्रॉ करना पड़ता है इसको, ब्रोंज क्वाइन, ठीक है। उसके बाद प्रपोज करता है, इसमें भी एक था कि प्रोमिस टू एक्सचेंज सिल्वर पीसेज फॉर ब्रोंज क्वाइंस। फॉर्जिंग के बाद सोच लीजिए क्या हुआ होगा, इकॉनमी अच्छा खासा। चलिए, प्रपोज खुरसन एक्सपेडिशन 1329, खुरसन एक्सपेडिशन, ठीक है। यूनिवर्सल कंक्वेस्ट का अथी रखता है खुरसन, और इराक को ये करना चाहता है, मोबिलाइज करता है ह्यूज आर्मी को। और वजह क्या रहता है, वजह रहता है कि वहाँ के कुछ खुर्सानी नोबल्स रहते हैं, वो इनको इनके कोर्ट में रहते हैं, वही इनको अति करते हैं, लेकिन इसको भी अबेंडन करना पड़ता है, क्योंकि अनपॉपुलर रूल ऑफ अबू सैद वहाँ खुर्सान में था, ठीक है। कराचील एक्सपेडिशन का बात की जाए तो 1330 में कराचील एक्सपेडिशन, जो कि हिमालय रीजन में चाइनीज इनकर्सन्स को अति करने के लिए कुमाऊँ हिल्स में इनका एक्सपेडिशन लॉन्च होता है, ठीक है। कुछ रिफ्रैक्टरी ट्राइब्स इन कुमाऊँ गढ़वाल के अति था, वहाँ के ट्राइब कुमाऊँ गढ़वाल के, ठीक है। और उनको मतलब कि अपने अंडर लाने का मेन अथी था, लेकिन रेनी सीजन में इनको अच्छा खासा सेटबैक होता है, और यही पांच प्रोजेक्ट्स जो होता है इसका, ये रिवॉल्ट का वजह बन जाता है, और लास्ट डे इनका रिवॉल्ट चेक करने में जाता है। 36 रिवॉल्ट होता है 25 ईयर में, ठीक है। 1335 का बात कीजिएगा तो मदुरई इंडिपेंडेंट हो जाता है जलाउद्दीन अहसन शाह द्वारा, ठीक है। मदुरई इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद 36 में विजयनगर हरिहर बुक का ये वो फाउंड करते हैं, इंडिपेंडेंट ही रहता है वरंगलर, ये भी का इंडिपेंडेंट हो जाता है कन्हैया के अंडर। और 1341 से 1347 में सदा आमिर का रिवॉल्ट होता है, और बहमानी किंगडम जो हसन गंगू द्वारा किया गया था 1347 में, उसका भी आता है, ठीक है। उसके बाद ये तथा में निकल लेते हैं, जो ये सिंध के में कैंपेन कर रहे होते हैं ताकि तुर्की स्लेव के खिलाफ, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, ये कजन थे मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है, कजन थे। और इनके डेथ के बाद नोबल और थियोलॉजियंस ऑफ कोर्ट फिरोज शाह को अभी नेक्स्ट सुल्तान बनाते हैं। इनके पास वही मेन अथी रहता है कि जो इमिनेंट ब्रेकअप है उसको अति कीजिए, ये पॉलिसी अपनाते हैं कि जो भी नोबिलिटी है उसको खुश रखो, आर्मी और थियोलॉजियंस को। और जो ऑथोरिटी का बात कीजिएगा तो सेंटर से जितना भी आप ऑथोरिटी अति कर सकते हो उतना ही दूर में रूल करो, कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं जो भी साउथ इंडिया ये सब ढक्कन उक्कन पे अति करने का। नोबिलिटी उस व्हेनेवर अ नोबल डैड, ठीक है, जो भी नोबल मरेगा उसका बेटा को ही उसको सक्सीड करना होगा, ये अति कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, मतलब हेरिडिटरी बना देते हैं कि उसका इकता उकता भी मिल जाएगा, अगर सन नहीं है तो सन इन लॉ को मिलेगा, सन इन लॉ भी नहीं है तो स्लेव सक्सीड कर जाए। फिरोज शाह तुगलक अपना प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी आर्मी में भी अति कर देते हैं, ठीक है। सोल्जर्स को कहा जाता है कि आप जाइए आराम कीजिए और उनके जगह पे उनका बेटा आ जाएगा, ठीक है। इनको कैश में नहीं दिया जाता था बल्कि लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेज असाइन किया जाता था, जिसको वजीहा कहा जाता है, वजीहा, ठीक है। आर्मी को पेमेंट के लिए असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेस, ठीक है। और यही एबीजेस का भी बना, ठीक है। थियोलॉजियंस को अति करने के लिए कि ये ट्रू मुस्लिम है, और
उसके अंडर ट्रू इस्लामिक अथॉरिटी चल रहा है। बहुत सारे अपॉइंट कर दिए गए थे थियोलॉजियंस को हाई ऑफिसर्स में, ये बैन कर देता प्रैक्टिस ऑफ वैसे सारे प्रैक्टिसेस को जो ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस कंसीडर करते हैं नॉन इस्लामिक, ठीक है, जैसे मुस्लिम वीमेन का बाहर जाना वर्शिप के लिए, जो सेंट्स थे उनके ग्रेव्स पे। इसके अलावा फिरोजा जो जीजिया को सेपरेट टैक्स बनाया जाता है, फिरोजा रिफ्यूज करता है ब्राह्मण्स को जीजिया से, ठीक है, एग्जेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि कहता है शरीयत में नहीं दिया गया है। और नया टैक्सेशन लाता है अकॉर्डिंग टू कुरान, चार तरह का टैक्स ले आता है। तो पहला खर्च जो लैंड टैक्स होता है, एक दहाई होता है प्रोड्यूस ऑफ द लैंड का, दूसरा जकात होता है प्रॉपर्टी टैक्स 2%, जीजिया 3% नॉन मुस्लिम पे लगता है, खाम चौथा 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर किया जाता है जो ड्यूरिंग द वार उसका 1/5 है, ठीक है। एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए इरीगेशन पे तो ध्यान देता है, अच्छा खासा कैनल्स को रिपेयर कर देता है, हके सरब और हासिल सरब ये वाटर टैक्स होता है, और हके सरब ये कैनल इरीगेशन, इसको ग्रेट बिल्डर कहा जाता है, क्योंकि ये फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद ये सब बनाता है, ठीक है, फिरोजा तुगलक, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर ये सब। चलिए, दो को पिलर अशोक का, एक तो पूरा हरियाणा से और दूसरा मेरठ यूपी से, ये दिल्ली मंगवाता है। इसके अलावा एक हॉस्पिटल भी बनवाता है जिसको डर उल शिल्फ कहा जाता है, ठीक है। दीवान खैरात भी सेटअप किया जाता है मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स के लिए, ये जब भी पैरिस होता है तो कहा जाता है कि वहाँ से हैंडसम वेल यंग बॉर्न वेल बॉन्ड यंग बॉयज को ले आया जाए सिल्फ के रूप में। पीसेंट ट्रैंक्विलिटी रहता है इसके टाइम में, वजह रहता है प्राइम मिनिस्टर खाने जहां मकबूल, खाने जहां मकबूल पीएम के कारण पीसेंट ट्रैंक्विलिटी रहता है। ये 1388 में निकल लेते हैं फिर उसका तुगलक के बाद, और कुछ ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। वजह रहता है कि मालवा, गुजरात, सरकी, जौनपुर ये सब रुका भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। तैमूर का इन्वेंशन होता है, इन्वेजन होता है 1398 से 1399, तैमूर दलियम कहा जाता है, तुर्की चीफ था, क्रोएल का कुरान मंगोलिया से था, जंगीज खां का डिसेंडेंट था, ठीक है। 1398 में मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में जो लास्ट रूलर होता है तुगलक डायनेस्टी का, 1398 में इन्वेट करता है, ठीक है। तैमूर 1398 में लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम मर्सीलेसली अटैक करता है, प्लान करता है दिल्ली को और सेंट्रल एशिया चल जाता है, पीछे खिजर खां को रूल करने के लिए पंजाब में, और वही चाइना अधिक करते हुए 1404 में ये निकल लेता है, ठीक है। तैमूर 1404 में निकल लेता है चाइना के एक्सपीडिशन में। सैयद खां का बात कीजिएगा, सैयद डायनेस्टी, खिजर खां सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है, तैमूर नॉमिनेट करके जाता है, ये दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। फर्स्ट सैयद डायनेस्टी विच रूल ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट ऑफ सैयद डायनेस्टी ये था। मुबारक शाह का बात कीजिएगा, मुबारक शाह 1421 से 1434 ये सक्सेस करता है खिजर को, और ये मेवाती कटिहार गंगेटिकोवा एरिया ये सारे एरिया में आते करता है। इसके अलावा इनके नोबल सीन को इन्हीं के कोर्ट में वो आरक शाह को निकाल देते हैं। इसके बाद इसको अति करता है कौन, मोहम्मद से, मोहम्मद शाह 1434 से 1443 नोबल्स पुट करता है इनको, ठीक है। और इन फाइटिंग अमंग द मुगल्स ये भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, और ऑथराइज तकरीबन 30 मील एरिया जो और सल्तनत के थी ये बेचारा रूल कर पाता है, और रेस्ट ऑफ को ये नोबल सिंह रूल करते हैं। आलम शाह इसके बाद आता है, लास्ट सैयद किंग माना जाता है, ये फेवर ऑफ बहलोल लोधी ये अपना छोड़ देता है और रिटायर कर जाता है। यहाँ से लोधी डायनेस्टी का स्टार्ट होता है कंटिन्यू टू, और ऐसा माना जाता है कि लोधी डायनेस्टी केवल दिल्ली एरिया में कन्फाइन होकर रह गया था, और फिर सराउंडिंग एरिया लोधी डायनेस्टी का बात की जाएगा तो बहलोल लोधी ठीक अफगान सरदार था, और ये खुद पंजाब में था इन आफ्टर इन्वेजन ऑफ तैमूर, ठीक है। ये लोधी डायनेस्टी का अधिक करते बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी सन थे इनके, बिहार को कांकर करते और वेस्टर्न बंगाल को, और दिल्ली से आगरा शिफ्ट करता थी कैपिटल, और आगरा सिकंदर लोधी द्वारा ही फाउंड किया गया था सिटी, ठीक है। इसके बाद ये सेक्रेड इमेजेज ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नगरकोट ये तोड़ता है, उसके बाद टेम्पल्स ऑफ मथुरा को भी डिस्ट्रॉय करता है। सिकंदर लोधी दी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में ध्यान देता है, और ये गजे सिकंदरी जो सिकंदर से 32 डिजिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड को ये अपनाता है। गजे सिकंदरी इब्राहिम लोधी का बात की जगह 1517 से 1526 लास्ट किंग था लोधी डायनेस्टी का, सुल्तान ऑफ दिल्ली संता सिकंदर लोधी का, अफगान ओबेली थी बड़े होते थे, फ्रीडम लविंग होते थे, और यही वजह था कि इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी के कारण वीकेंड रहा थी अफगान मोनार्की, और एब्सोल्यूट पावर एसर्ट
करने के चक्कर में नवल सिंह उसके खिलाफ हो गए थे। ठीक है, दौलत खान लोधी का बात करें या गवर्नर ऑफ पंजाब था, इनवाइट करता है बाबर को, इब्राहिम लोधी, और बाबर आता है और क्रशिंग डिफीट इन्फ्लिक्ट करता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोधी का खात्मा हो जाता है ऑन द बैटल, और बाबर आ जाता है और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। खोज का बात कीजिएगा तो डिस्पोटिक मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, उसके बाद कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल तो बिल्कुल भी नहीं था। डिजनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान हो जाता है वर्ल्ड प्रोजेक्ट मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, बस इनकम्पिटेंस ऑफ फिरोज शाह तुगलक भी, और वार ऑफ सक्सेशन जानते हैं कि अच्छा खासा अधिक करता है। ग्रीड एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ नोवस, डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वास्टनेस ऑफ एम्पायर, एंड सबसे मेन वास्टनेस को आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज हो जाता है 1 लाख फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, जो कि एक अच्छा खासा बर्डन हो जाता है ट्रेजरी पे, और इन्वेजन ऑफ तैमूर। ठीक है, इसके बाद बात कीजिएगा तो कुछ मंगोलियन इन्वेशन हुए हैं दिल्ली सल्तनत के नाम है, तो इल्तुतमिश के टाइम में 1221 में चंगेज खान आ जाता है इंद्रस तक, लेकिन वहाँ से लौट जाता है मसूद जो 1241 में थे, वो तैयार बहादुर पंजाब में इंटर कर जाता है। ठीक है, लेकिन बलवान फाउट बैक द मंगोलियंस एंड रिकवर द मुल्तान। उसके बाद बलवन के टाइम में फिर आते हैं प्रिंस मोहम्मद ऑफ मुल्तान बुघरा खां और मालिक मुबारक ऑफ दिल्ली कंपनी टुगेदर टू डिफीट द मंगोल्स। ठीक है, इसके बाद फिर बलवन के टाइम में 1286 में तमर इन्वेट करते हैं इंडिया को, प्रिंस मोहम्मद का खात्मा हो जाता है, उसको खाने शहीद का टाइटल भी दिया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का बात कीजिएगा तो उस टाइम में अब्दुल्ला आता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, और मंगोल्स 4000 मंगोल्स को इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया जाता है, जिसको नया मुसलमान कहा जाता है, न्यू मुस्लिम्स। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 1296 से 99 AD में जफर खान डिफीट करता है मंगोल्स को। ठीक है, जलंधर में और ऐसी में, उसके बाद उनके प्रिजन को लीडर को प्रिजनर ले लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का बात कीजिएगा तो अली बेग और तास को डिफीट करता है। मोहम्मद बिन तुगलक का बात कीजिएगा तो तमसीरीन खां वाज एबल टू रीच आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उनको हरा देता है। एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली सल्तनत का बात कीजिएगा तो तुर्की सुल्तान खुद को लेफ्टिनेंट ऑफ फेथफुल एबेसिड खलीफत ऑफ बगदाद का अधीन मानता है, और इन द नेम ऑफ हिज कुथा, कुथा मतलब कि खलीफा लीगल रूलर नहीं था, खलीफ मॉडल रूलर होते हैं। ठीक है, और कुथा खुतबा 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 या इट्स खुतबा, ठीक है, खुतबा के नाम है वो रूल करता है बेसिडियन खलीफत ऑफ बगदाद का, मतलब ल्यूटिनेंट बन के एज मॉडल रूलर वो होते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉलिटिकल लीगल और मिलिट्री अथॉरिटी वेस्ट इन द सुल्तान, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ में कमांडर इन चीफ भी वही होता है। न्यूक्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन मुस्लिम रूलर में था। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया जाए तो दीवान विजारत जो फाइनेंस था वजीर इसको अधिक करता था, विजारत वजीर फाइनेंस, मिलिट्री आरिज डिपार्टमेंट था, आरिज ए मोमालिक इसको अधिक करता था। इंसा का बात कीजिएगा तो क्रॉस्पॉन्डेंस के लिए दबीर ए मोमालिक था, दबीर ए मोमालिक इंसा क्रॉस्पॉन्डेंस का। रिसालत का बात कीजिएगा तो अपील के लिए रिसालत डिपार्टमेंट था, दबीर ए मुल्क, दबीर मुल्क होता था, मुमालिक था क्रॉस्पॉन्डेंस इंसा के लिए। ठीक है, उसके बाद मुस्तक राज जो कि एरर्स का डिपार्टमेंट था, मुस्तक राज दीवान मुस्तक राज। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसको फाउंड किया था। उसके बाद रियासत कॉमर्स के लिए डिपार्टमेंट था, ये रियास मुमालिक ये अलाउद्दीन खिलजी ही द्वारा अधिक किया गया था। कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव के लिए बंदगान था, बंदगान फिरोज शाह तुगलक, उसी के द्वारा चैरिटी के लिए दीवान खैरात था। ठीक है, और इस्तियाक पेंशन के लिए था, पेंशन के लिए इस्तियाक ये भी फिरोज शाह द्वारा ही अधिक किया गया था। इसके बाद बात कीजिएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का एकता होता था प्रोविंस, जिसको मुक्ति वाली हेड करते थे एकता को। ठीक है, सिख होता था डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इसको अधिक करते थे, परगना तालुक होता था चौधरी या आमिल इसको अधिक करते थे, ग्राम को मुकदम और खूट हेड करते थे। एकता को मुक्ति वाली, सिख को सिकदार, परगना को चौधरी आमिल, ग्राम को मुकदम या खूट। आर्किटेक्चर की बात कीजिएगा दिल्ली सल्तनत में तो वही डोमा आया था, लोफ्टी टावर से आया था, थ्रू आर्क अनसपोर्टेड बाय बीम इन्हीं के टाइम आया था, वॉल्ट भी आया था। ठीक है, एक्सपर्ट नॉलेज था कंक्रीट और मोर्टार का, और जो कि अभी तक कम यूज हो रहा था, इनके आने के बाद अच्छा खासा होने लगता है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनता है, ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल है जहाँ पे मेहराब ऑफ वाइट मार्बल्स अधिक किया गया था, डेकोरेटिव आर्ट
स्क्रीन भी है। इसके बाद बात करें तो टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन बालवन मेहरौली दिल्ली में भी यह जगह साथ ही बना हुआ है, और टॉम्ब ऑफ हजारा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में भी खिलजी पीरियड का है। इसके बाद ऐसा तुगलक बिल्डिंग्स जो स्टार्क सिंपलिसिटी सोबरिटी और लेस फाइनेंशियल रिसोर्स को पॉइंट करता था, और ऐसा मतलब कि स्लोपिंग वॉल्स डार्क अपीयरेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिल्डिंग, ये सब उस समय का कुछ नोटेबल आती है। कुछ मॉन्यूमेंट की बात की जाए तो तुगलकाबाद फोर्ट है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब, ये सब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का थी के तरफ इशारा करता है। सैयद पीरियड बहुत छोटा था इसलिए उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है नहीं। डबल डोम का बात की जाए तो ये लोधी आर्किटेक्चर का था, ठीक है, मौत की मस्जिद डबल डोम आर्किटेक्चर इसी टाइम का। लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत का बात करते तक ही के हिंद अलबेरुनी का अरेबियन स्कॉलर थे, स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, तबकत ए नासरी मिनाज उस सिराज का सिराज इल्तुतमिश के रीजन का अकाउंट देते हैं। लैला मजनू हो गया, खैरसन फुतू हो गया, तुगलकनामा हो गया, नूपुर सीपीर, ये सब आमिर खुसरो का या अलाउद्दीन खिलजी के कोट पर थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का अथी करता है खजान उल फुतू, ठीक है, गयासुद्दीन का अथी अकाउंट देता है तुगलकनामा, गयासुद्दीन तुगलक का नूपुर सीपी, ये पोएटिक डिस्क्रिप्शन है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। फतवा है जहाँदारी जियाउद्दीन बरानी का तुगलक डायनेस्टी के बारे में, और तारीख़ फिरोज शाही है जियाउद्दीन बरानी द्वारा ही फिरोज शाह के रीजन के बारे में, फतवा है फिरोज शाही फिरोज शाह का खुद का, ये उसी के रीजन का अथी डिटेल है। किताब है तहकीक अलबरूनी का इंडियन साइंस के बारे में, उसके बाद कानून किताब ए तहकीक अलबरूनी का इंडियन साइंस के बारे में, कानून हो गया एस्ट्रोनॉमी के बारे में, जवाहर और जवाहरा जवाहरी ये हो गया मिनरोलॉजी अलबरूनी का है तीनों। उसके बाद कामास फिरोजाबादी ये अरबिक वर्ड डिक्शनरी है, ठीक है, कामास फिरोजाबादी। इसके बाद बात की जगह तो ताज उल माथिर हसन निजामी का है, ठीक है, इलवारी स्लेव डायनेस्टी के बारे में है, चच नमा अबू बकर का सिंध रीजन के बारे में है, लुलाव अलव बुखारी पर्शियन एंथोलॉजी के बारे में है, खमसा आमिर खुसरो का लिटरेचर पोएम है, खमस आमिर खुसरो का शाहनामा, फिरदौसी का मोहम्मद गजनी के बारे में शाहनामा। इसके बाद किताब रोहेला इब्न बतूता का ट्रैवल लॉग है स्टोरी के साथ, ठीक है, आमिर खुसरो का फिर ये पूरा है, मेहताब ये जलाउद्दीन के कलक्वेस्ट का है, उसके बाद मुलता सिकंदरी आयनाए सिकंदरी हसत विशिष्ट बिहिस्त और खुसरो सिरिन खुसरो, ये सब लिटरेरी है, खुसरो खुसरो देखो अमीर खुसरो बिहिस्ट सिकंदरी आयनाए सिकंदरी मुल्तान मिफात, ये सब अमीर खुसरो का है। तारीख़ फिरोज शाही ये शम्स ये सिराज आफिफ का है तुगलक का हिस्ट्री के बारे में, और फुतुह सलातीन इसामी का है बहमानी किंगडम के बारे में। इसके बाद हम लोग का सेकंड पार्ट होगा विजयनगर अदर किंगडम्स, और उसके बाद फिर मुगल्स के बारे में।